सिवनी जिले के घनसूर विकास खंड के पहाड़ी गांव में इन दिनों उल्टी दस्त का जबरदस्त प्रकोप देखा जा सकता है। हालात इतने भयावह हैं कि गांव के लगभग हर घर में उल्टी दस्त से पीड़ित व्यक्तियों को देखा जा सकता है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से 20 मरीज मंडला जबलपुर के अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वही गाँव में हुई मौतों को पंचायत सचिव उल्टी दस्त से हुई मौतें बता रहा है, तो इस इलाके के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एक भी मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। जबकि आज हालात बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में ही अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जबकि स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने भी स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही है कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही है। 4 दिन पहले आपके द्वारा जो खबर चलाई गई थी, उसके बाद तत्पश्चात सचिव साहब द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को अवगत कराया गया, उसके बाद भी आज 4 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम आई है। जब यहाँ पे आज इलाज चालू हुआ है और वहाँ भी घनसौर जाओ तो डॉक्टरों से मिलने का, डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है मरीजों से मिलने के लिए, वो प्राइवेट इलाज कर रहे हैं अपने स्वयं के व्हीकल से। हमें मरीज को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जबलपुर या मंडला जहाँ भी रेफ़र बनाते हैं वहाँ ले जाया जाता है, ना ही एम्बुलेंस की सुविधा है ना ही ट्रीटमेंट की सुविधा है। और अभी तो जो डेथ हुई है वो 3 हुई है, परंतु वो उसके कारण नहीं हुआ। एक पेशेंट की जो डेथ हुआ वो किडनी फेलियर से हुआ, और एक जो दूसरा मकरान की उनकी जो डेथ हुई है वो एज फैक्टर से हुई है, और जो तीसरी डेथ हुई है वो है मतलब वो पहले से ही 15-20 दिनों के से ही वो पहले से बीमार। मेन कारण जो यहाँ पर समझ में आ रहा है शायद पानी के कुएँ के पानी के पीने से। अभी तो स्थिति वैसे कंट्रोल में है और लगातार हेल्थ कैंप लगाया गया। सुभाष बकोड़े की रिपोर्ट। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया खबर 24 न्यूज चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही ताजा तरीन खबरों की तमाम नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।